कचरा चुनकर अपनी परवरिश करने वाले 7 वर्षीय अनाथ बच्चे शिवा मांझी की बदली किस्मत। वृक्षारोपण करने जा रहे जिलाधिकारी की कचरा चुनते पड़ी बच्चे पर नजर। डीएम ने बच्चे से पूछा, करोगे पढ़ाई? शिवा के हां भरते ही डीएम ने बच्चे को गाड़ी में लाया कार्यालय। शिवा को एक विद्यार्थी जैसा बनाकर बाल कल्याण और जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसके परवरिश का दिया जिम्मा। मुंगेर महोत्सव के अवसर पर आज मुंगेर डीएम नवीन कुमार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर के कष्टहरणी घाट स्थित श्री कृष्ण वाटिका पार्क में वृक्षारोपण के लिए गए हुए थे। इसी दौरान डीएम ने पार्क में 7 वर्षीय शिवा मांझी को इधर उधर कचरे चुनते देखा, जिसके बाद डीएम ने कचरा चुन रहे शिवा को बुलाया। डीएम ने जैसे ही शिवा को बुलाया, डीएम के बुलाते ही शिवा मांझी डर गया और वह भागने लगा। तभी डीएम के अनुरक्षक ने बच्चे को दौड़कर पकड़ा और उसे डीएम के समक्ष लाया, जिसके बाद डीएम ने उसे काफी देर तक पूछताछ की। इस दौरान शिवा मांझी ने डीएम को बताया कि उसके माता पिता नहीं है, वह 3 भाई है और वह कचरा चुनकर ही अपने जीवन यापन करता है। जिसके बाद डीएम ने बच्चे से पूछा कि क्या तुम पढ़ना चाहते हो, जिस पर बच्चे ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि पढ़ना चाहता हूँ मगर मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं। उस बच्चे के बात को सुनकर डीएम भावुक हो गए और उस बच्चे को पौधरोपण करने के बाद उसे अपने गाड़ी में बिठाकर सीधे कलेक्ट्रेट ले गए। इसके बाद उसे बाल कल्याण पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को फ़ोन पर निर्देश देते हुए तुरंत कलेक्ट्रेट आने को कहा। जब बाल कल्याण पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी डीएम के ऑफिस पहुंचे तो डीएम ने इन दोनों पदाधिकारियों को सारी घटना से वाकिफ कराया। इसके बाद डीएम के निर्देश मिलते ही बाल कल्याण पदाधिकारी के द्वारा उसके बच्चे को ले जाकर बाल कटवाकर और नहलाकर बच्चे को एक विद्यार्थी जैसा संस्कार बनाकर डीएम के समक्ष लाया। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बाजार से उस बच्चे का स्कूल ड्रेस, स्वेटर, टोपी, स्कूल बैग, किताब, कॉपी, अन्य चीज मंगा कर दिया गया और तुरंत इन दोनों पदाधिकारियों के द्वारा डीएम के समक्ष ले जाया गया। बच्चे के संस्कार बदलते ही सारे पदाधिकारी भी अचंभित हो गए। इसके बाद शिवा मांझी भी अपने आप को काफी खुश महसूस करते हुए कहा कि रोजाना कचरा चुनता था मगर आज डीएम साहब मुझे बुलाकर अपने गाड़ी में उठाकर लेकर चले आए और स्कूल ड्रेस के अलावा पढ़ने के लिए कॉपी, किताब, बैग दिलवाया। शिवा मांझी ने कहा कि मैं पढ़ लिखकर सैनिक बनूंगा। शिवा मांझी के भाई बुधन मांझी ने बताया कि हम कभी सपनों में भी नहीं सोचे थे कि मेरा शिवा पढ़ पाएगा, लेकिन डीएम सर के द्वारा जो आज यह काम किया गया इसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। जोर से बोलिए। दीवा। पिताजी का नाम? सुरेश मांझी। सुरेश नहीं। अच्छा। माता जी का नाम बेटा? लालो देवी। अच्छा। और हम लोग गए थे वृक्षारोपण करने। वृक्षारोपण के दौरान डीएम सर का ही नज़र पड़ गया इस बच्चे पे। बच्चों को बुलाए, बच्चा डर गया था, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि डीएम सर कोई जानता था पहले से, फिर बच्चा आया, पूछा गया, ये कूड़ा उठा रहा था, बहुत बड़ा कूड़ा का पैकेट अपने कंधे पर रखे हुए था। डीएम सर उसको बोले कि बेटा पढ़ोगे तुम? बोला पढ़ेंगे। डीएम सर अपने गाड़ी में ही बैठा लिए, बैठा करके सर यहाँ ले आए, कार्यालय में ले आए। कार्यालय में लाने के बाद में तुरंत इसको पढ़ने पढ़ाने के लिए व्यवस्था किया गया और आज ये बच्चा जो है सो पढ़ने के लिए तैयार है और इस भेष में है। अभी जो पहले का तो फिगर था, फोटो देखे होंगे आप लोग। और आज से किस विभाग के तहत ये बच्चे की देख रेख और पढ़ाई लिखाई चल रही है? बच्चे की देख रेख डीएम सर के देख रेख में बाल कल्याण संरक्षण से होगा, कल्याण विभाग से भी होगा, शिक्षा विभाग से भी होगा। ये का नाम है शिवा मांझी, इसके माता पिता नहीं है, अनाथ बच्चा है और इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि पढ़ लिख करके आगे बढ़े। मांझी नाम लिखा जाएगा इसका। अच्छा। इसका व्यवस्था कर दिया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, सर नहीं होगा। मेरा नाम अश्विनी कुमार हुआ, जिला शिक्षा पदाधिकारी मुंगेर। सही है, बढ़िया है। अच्छा। अब देखने लग रहा है कि पढ़ने लिखने के लिए सही है। क्या अभी कबाड़ा चुनता था? अच्छा। तो फिर थे अभी लाया डीएम सब उठा के कपड़ा लत्ता दिया, नवाया सुवाया। अच्छा। पढ़ने के लिए सुरक्षित दिया। अब बढ़िया लग रहा है देख के। अच्छा। हाँ।
हम दो बहन है। अच्छा तीन भाई हैं तो एक भाई ने। अच्छा अभी दो भाई सामने। अच्छा सही, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, जैसा भी किया अच्छे के लिए किया। अच्छा क्या नाम है आपको? आप सहयोग करेंगे उसको पढ़ने के लिए? हाँ भेजेंगे ना? हाँ नहीं। अच्छा क्या नाम है आपको? नहीं देंगे इसको कचरा पूरा पढ़ाइए, वो बहुत बड़ा संपत्ति है। नहावा धोवा के समय पर सब चीज करके भेजा देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ बुद्धन मंजू। कौन भाई? नहीं किला तर रोड पर रहते हैं।